Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live. We live to entertain. नमस्कार आदाब. क्राइम पेट्रोल डायल 100 ने शुरुआत की है एक ऐसी खास मुहिम की जिसमें पूरे हफ्ते हमारा फोकस भारत के एक ही राज्य पर रहेगा. हमारी आज की कहानी गुजरात के एक ऐसे गांव की कहानी है जहां के लोग अपराध से पूरी तरह से दूर थे, लेकिन उसी गांव में एक ऐसी घटना घटी जो इन गांव वालों की कल्पना से भी परे थी. माँ, हाँ? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो खेत में जुताई कर रही थी ना, तो वहाँ सोना मिला है. सोना? हाँ, सोना मिला है, तो सोचा यहाँ पर ना गाड़ दूँ. ध्वनि बड़ी होगी ना तो उसकी शादी के लिए काम आएगा. लेकिन सुन, तू भी इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चले, ठीक है? R for rose, S for हाँ बोल कोकिला. सर, S for sun, sun माने सूरज. वेरी गुड, सरस, बेस बेस. SUN, सन माने सूरज. अभी कल A to Z पूरा याद करके आना. हाँ चलो, समय थई गयो छे. गुड नाइट, जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. और चक्कू, पीसे पल्लू, कैसे कोना, चलेगी कोने में? ए मुकेश, मारा मुड़े नहीं लाग, समझा? कहते हैं कि गुजरा हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता और आने वाला कल इंसान के हाथ में नहीं होता. जिंदगी का ये नियम इंसान को तब और विवश बना देता है जब उसकी उम्मीदों का ना तो कोई छोर हो और ना ही इंतजार का कोई आधार. लेकिन ये हत्या क्यों हुई और किसने की, इन सवालों से कहीं ज्यादा रहस्यपूर्ण इनके जवाब थे. खेत में जुताई कर रही थी ना तो वहां सोना मिला है, तो सोचा यहां पर ना गाड़ दूं, ये बात किसी को पता ना चले. बाय बाय मामड़ी. नहीं पर मां अभी जैसे चल. अरे नहीं आवे तारी माँ, भाग गई अपने आशिक के साथ. मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना तो दांत तोड़ दूंगा. अच्छा तू मेरे दांत तोड़ेगा? हाँ अभी बताता हूँ. तू नहीं आछोड़ आछोड़ चलो, ये गंदा है. राजा लखोटा राम लखोटा चल. धैर्य बेटा. ध्वनि सुनो, तुम्हारी माँ आवी के नहीं? ना काकी. देखो डिकरा, तुम्हारी माँ नहीं आई ना तो घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारी काकी. हाँ तुम्हारे माँ जैसी. अच्छा देखो, कोई भी जरूरत पड़ से ना तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी. हाँ ठीक है चलो जी. भाई ये ऐसे क्यों बोली कि माँ नहीं आएगी? अरे ध्वनि ये सब झूठ बोल रहे. माँ भी जा सक, चल देखो खाने के लिए देता हूँ.
पिंकी, भाई आने वाले और माँ को साथ लेके आएंगे। बहुत मजा आएगा। पिंकी, माँ आ गई। माँ, 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 भाई, माँ कहाँ है? बताओ ना भाई। भाई, माँ किधर है भाई? माँ क्यों नहीं आई? बताओ ना भाई। बताओ ना भाई, माँ कहाँ है? बताओ ना। माँ कहाँ रह गई? बताओ ना भाई। भाई, माँ क्यों नहीं आई? सर, कोकिला का ट्रैक्टर बिल्कुल खाली था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाज लूटने के इरादे से उसकी हत्या की गई थी? नहीं मीर, ये अगर लूट होती तो कोकिला की लाश नदी किनारे नहीं, ट्रैक्टर के आसपास होती। ये हत्या लूट के इरादे से नहीं हुई, इसके और भी कई पहलू हैं। 7 जून को कोकिला सुबह 3:30 बजे अम्बापुर से खानगंज मंडी जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसका ट्रैक्टर अम्बापुर से मंडी पहुंचता नहीं है। उसका ट्रैक्टर मिलता है तारापुर के जंगल के पास। अब अम्बापुर से तारापुर का डिस्टेंस करीब करीब 20 किलोमीटर्स होगा, यानी कि उस दिन सुबह के 4 बजे कोकिला तारापुर जंगल के पास पहुंची होगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का समय सुबह 4:30 बजे के आसपास का था, यानी कि वो आधा घंटा ट्रैक्टर से रिवर तक के डिस्टेंस में काउंट हो सकता है, जो कि करीब 500 मीटर्स था। यानी कि कोकिला नदी तक या तो अपनी मर्जी से गई, या तो ट्रैक्टर से निकाल के जबरदस्ती उसे नदी तक ले जाया गया। लेकिन सर, एक अकेली औरत इतने अंधेरे में ट्रैक्टर रोक के नदी के पास क्यों जाएगी? यू आर राइट सर, उसे जबरदस्ती ही ले जाया गया होगा। आमिर, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ही तय करेगी कि वो खुद वहां पर गई थी या फिर उसे वहां पर ले जाया गया था। लेकिन एक बात तो तय है कि वो इसी रास्ते से वहां पर पहुंची थी। एक काम करो सर, अपनी टीम भेजो और उस एरिया में दोबारा छानबीन करो, शायद हमें कोई मर्डर वेपन या इस केस से जुड़ी कोई लीड मिल जाए। पर हाँ, मुझे कोकिला की सारी हिस्ट्री चाहिए। 2 साल पहले वो तिमरपुर में कहाँ रहती थी, उसका पति क्या करता था, उसके रिश्तेदार कौन थे, और हो सकता है अम्बापुर गांव में भी कोई ऐसा हो जो उसकी तरक्की से जलता हो। मैं इवनिंग स्कूल जाता हूँ और वहाँ पर जाकर इंक्वायरी करता हूँ, क्योंकि कोकिला अकेली ऐसी औरत थी जो वहाँ पर पढ़ने जाती थी। सर, मैंने तिमारपुर में पता कर लिया है, कोकिला यहीं की है, उसके देवर का घर भी यहीं है लेकिन ताला लगा हुआ है। ओके सर। सर, आसपास के गांव में कोकिला एक ही इस उम्र की औरत थी जो पढ़ने आती थी, उसमें सीखने की बहुत उत्सुकता थी, ये वो ब्राइट स्टूडेंट थी और इसीलिए कई स्टूडेंट उससे चिढ़ते थे। कौन से स्टूडेंट? आपको कोई गलत फहमी हुई है साहब, ना तो मैंने कोकिला को मारा और ना कभी तारापुर गया। डंडे पड़ेंगे ना तो तारे भी याद आएंगे और तारापुर भी। बोल साहब, तारे तो कोकिला दिखाती थी मर्दों को। अच्छा, सच्चू कहूं साहब, कोकिला को मर्दों की कमी नहीं थी, एक नंबर की चालू थी। मैं तो सिर्फ ट्राई मार रहा था, लेकिन उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया। झूठ बोलता है। सच्चू कहूं साहब, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लो, उसके कई आशिक थे, बहुतों को धोखा दिया उसने, और साहब एक को तो सबने देखा था। कोकिला, कोकिला, हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़? धोखेबाज औरत, तेरा तो गला दबाने को जी करता है मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। हिम्मत कैसे की तूने मेरा हाथ पकड़ने की? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो। साहब, पाकू वो कोकिला का घायल आशिक ही था, तभी तो उसको धोखेबाज बोल रहा था। हो सकता है उसी ने कोकिला को मारा हो। वो आशिक अगर तू निकला ना तो चार्जशीट बाद में बनाऊंगा, रिमांड पहले लूंगा, समझी गयो ना? सच्चू पहुंचू साहब, मम्मी ना सब। भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों जमा रहे हो? तूने यहाँ मेहमान ने सोना छुपा के रखा है। सोना? हाँ। सच भाई, इस जमीन के अंदर सोना है? हाँ, लेकिन ये बात किसको बताना मत, ठीक है? माँ ने कहा था कि ये सोना तेरी शादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ भाई, मैं भी आपकी मदद करती हूँ।
बदतमीज से रहा बिल्कुल। और मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझा? भाई तो अच्छे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो बहुत बुरे बन जाते हैं। मुझे यहाँ क्यों लाए? डरो मत बेटा, बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल? जब तुम्हारी माँ अनाज बेचने मंडी गई थी तब तुम भी उसके साथ गए थे ना? ट्रैक्टर में तुम भी उसके साथ थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था। पर ध्वनि ने तो बताया कि तुम उसके साथ गए थे। ध्वनि ने भूल से बोला होगा, उसको नहीं पता मैं नहीं गया था। हो सकता है तुमसे भूल हो रही हो, याद करो। शायद नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, मैं माँ के साथ नहीं गया था। कहीं गलती से तुमने तो अपनी माँ को नहीं मारा था? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी माँ को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। शांत हो जाओ, शांत। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। शांत हो जाओ। ओके 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 ओके, मैंने नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया, वो सपना था, माँ मरी नहीं है बेटा। हाँ बेटा, वो एक सपना ही था। माँ वापस आ जाएगी, माँ जरूर आएगी, माँ वापस आएगी। हाँ रिलैक्स हो जाए बेटा। नहीं कुछ नहीं, रिलैक्स हो जाए, माँ जिंदा है, मंडी से वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, माँ मंडी गई है। हाँ माँ मंडी से आएगी। मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। उस हादसे ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर किया है कि उसे सपना मानकर भी उसे डिस्क्राइब नहीं करना चाहता है। तो डॉक्टर, ये स्टेट ऑफ माइंड से बाहर कब निकल पाए? ये तभी रिकवर करेगा जब हम उसके छूट पर विश्वास करेंगे। अगर बार बार यही बात उसे याद दिलाएंगे तो हो सकता है उसकी हालत और भी क्रिटिकल हो जाए। सर, मर्डर वेपन पे धैर्य कहीं उंगलियों के निशान थे। ये कन्फर्म है कि कोकिला का मर्डर धैर्य ने ही किया है। लेकिन हरेश के बयान से ये भी सामने आया है कि कोकिला धैर्य का मर्डर करना चाहती थी। मुझे ऐसे लगता है कि हरेश के उस रात जाने के बाद कोकिला ने धैर्य को मारने की कोशिश की होगी। माँ, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। भाग, भाग, नहीं छोड़ूंगी तुझे। उसकी माँ का वो खूंखार रूप भी उसे तब सपना ही लगा होगा। वो अपनी माँ से बचने की कोशिश में वहां से भागा। कोकिला ने उसका पीछा किया और दोनों भागते हुए नदी के पास पहुंच गए। माँ, नहीं छोड़ूंगी तुझे। और इसी छीना झपटी में चाकू कोकिला को लग गया। वो इम्बैलेंस होकर पानी में गिरी। धैर्य डर कर वहां से भागा और भागते भागते इतना थक गया कि हाँफ के बैठ गया। शायद वहीं उसकी आंख लग गई होगी। जब से उसकी आंख खुली वो यही मानने की कोशिश कर रहा है कि यह हादसा सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। बच्चों के लिए उनके माता पिता उनके आदर्श होते हैं। अगर माता पिता बच्चों की अपेक्षाओं के विरुद्ध किसी गलत छवि में नजर आए तो बच्चों की मनस्थिति उतनी ही दयनीय होती है जैसा कि इस केस में सामने आया। सबूतों के आधार पर पुलिस ने जो मनोवैज्ञानिक थ्योरी बनाई वो धैर्य को अपनी माँ का हत्यारा तो बताती है, लेकिन वास्तविकता ने उसे इतना विवश कर दिया कि वो उसे बुरा सपना ही मानता है। उसे अब भी लगता है कि उसकी माँ जिंदा है और वो एक दिन जरूर लौट कर आएगी। ये केस अदालत में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट धैर्य को एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोशिशें जल्द ही सफल हों। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।